अमृतसर हैंडलूम एंड कंबल एसोसिएशन की मीटिंग आज प्रधान श्री अनिल मेहरा की अध्यक्षता में सर्विस क्लब में संपन्न हुई, जिसमें श्री विनम्र गुप्ता ने विस्तार से जीएसटी के बारे में सभी सदस्यों को जानकारी दी और आश्वासन दिया कि आने वाले समय में जो भी जीएसटी में परिवर्तन आएंगे उसकी जानकारी वे एसोसिएशन को देते रहेंगे। एसोसिएशन के एडजेक्टिव सदस्यों ने विनर्म गुप्ता को धन्यवाद कहा और सभी सदस्यों को आने वाली मुश्किलों का सामना मिलजुल कर करने का विश्वास दिलाया। मीटिंग में श्री दीपक मेहरा जी, परमजीत सिंह भाटिया, परीक्षित गुप्ता, विपिन अग्रवाल, सौरभ गौरव, कुलविंदर सिंह, करण, अनूप आदि उपस्थित हुए। जीएसटी के अंदर जैसी प्रॉब्लम हमें आनी है या इसके बारे में जो समझना है, मैं हमने विनम्र गुप्ता जी को आग्रह करके यहाँ बुलाया है और वो लोग हमारे बीच में हैं। हमें इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि हम किस तरह इस पर एप्लीकेबल करें, कैसे करें। वैसे हम लोग जीएसटी में बाकी एसोसिएशनों के हम साथ हैं, हम ये लड़ाई पूरी तक दूर तक लड़ेंगे कि किसी तरीके से व्यापारी लोग किसी तरह का जीएसटी के एंगेज नहीं है। उसको प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंटेशन की, हर महीने के तीन चार टर्नों की। हम लोग ऑलरेडी सेल्टक से रिलेटेड नहीं है, हमारे लिए ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हम जीएसटी के अंडर आ रहे हैं। जो ऑलरेडी व्यापारी वैट के काम करते हैं उनको कुछ दिक्कत कम आएगी, लेकिन 90% हमारे व्यापारी लोग जो है वो सेल्टक से रिलेटेड नहीं है। कोई आइटम शुरू से ही कपड़ा उद्योग जो है शुरू से ही ये वैट के अंडर नहीं आता। हमारी डिमांड ये है कि पहले तो हमारी डिमांड यही है कि हमें ये जीएसटी से बाहर रखा जाए, और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जीएसटी के अंदर आना है तो हमें ये जो डॉक्यूमेंटेशन के काम से इसको बहुत रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए कि हम हर महीने सिर्फ आठ वक्त यही तैयार रखा जाए कि भाई 10 तारीख को, 12 तारीख को, 20 तारीख को अपने रिटर्न ने फाइल कर ली है। हम लोगों का काम टूर का है, बाहर जाने का है। हमारे लिए ये इस तरह की रिटर्न ने बनाना, हर महीने के तीन तीन रिटर्न भेजना, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि पहले तो अगर जीएसटी से कंबल लाइन को, हैंडलूम लाइन को बाहर निकाला जाए। अगर देश के लिए जीएसटी इतनी ज़रूरी है तो हम व्यापारी लोग जीएसटी का मना नहीं करते, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन जो है इसमें हमें बाहर निकाला जाए और इसको मिनिमाइज किया जाए।